आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया भर में हो रही सभी तरह की गतिविधियों की जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो गया है, जिसकी वजह है कैमरा जो हमारी चारों तरफ मौजूद है। और इसी की बदौलत हमारी चारों ओर हो रही किसी भी घटना को ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर कभी कभी इनमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल लेता है। और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही घटनाएं देखने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अप्रैल 2020 के दौरान अमेरिका के साउथ कैरोलिना में फर्नांडा लोसाड़ा नाम के एक व्यक्ति के घर एक गुस्साल मगरमच्छ घुस आया। ये मगरमच्छ सीधा घर के गेट पर घुस आया, जिसको भगाने के लिए घर में मौजूद बच्चों ने उसके ऊपर छत से पानी गिराया। बच्चों के ऐसा करने से मगरमच्छ ठंडा तो नहीं हुआ बल्कि और गर्म हो गया और मगरमच्छ गोल गोल घूमने लगा। अब विशालकाय मगरमच्छ की ऐसी हरकत देखकर घर के सभी लोग घबरा गए, जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही एनिमल रेस्क्यू की एक टीम को बुलाया। लेकिन मगरमच्छ ने अपनी ताकत का एक नमूना उन्हें भी दिखा दिया। खैर, काफी देर की कड़ी मशक के बाद रेस्क्यू टीम ने उस मगरमच्छ को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। ठीक ऐसी एक घटना मई 2015 में अमेरिका के लुसियाना में घटी, जिसमें एक पिकअप ट्रक ड्राइवर का सामना मगरमच्छ से होता है। जनाब कार में थे तो उसने सोचा कि भाई मगरमच्छ भला मेरा क्या बिगड़ सकता है। ऐसे में उसने मगरमच्छ को हल्के में लेते हुए वहीं अपनी गाड़ी रोक अंदर बैठे इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मगरमच्छ ने एक बार फर्जी हमला कर इसे यहाँ से चले जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन जनाब को तो इसे पंगा ही लेना था। कुछ देर तक ड्राइवर वहां से नहीं गया तो मगरमच्छ ने उसकी गाड़ी पर हमला बोल दिया और महज एक ही हमले में गाड़ी का बम्पर उखाड़ कर किनारे कर दिया। खैर, इस महाशय को दिए मगरमच्छ से पंगा करीब 6-7 हजार रुपए का ही पड़ा। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसी घटना होती है तो हमारी सलाह यही है कि आप वहां से गलती मार ले। दोस्तों, माउंटेन बाइकिंग एक बहुत ही शानदार स्पॉट है जिसमें आपको बहुत ही एक्साइटमेंट मोमेंट देखने को मिलती है, और हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो अपनी माउंटेन बाइकिंग के दौरान गोप्रो कैमरा लेकर चलते हैं ताकि अपने एडवेंचरस मोमेंट को कैप्चर कर सके। और तभी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है कि क्या ही बताए। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर एनिमल अटैक हो जाता है। असल में दोस्तों, जब कुछ माउंटेन बाइकर्स पहाड़ों के बीच से साइकिल चला रहे थे तभी उनका सामना एक बड़े सिंह वाले याक से हुआ जो इन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी इस लड़के ने अपनी सूझबूझ से अपने साइकिल को जानवर और अपने पीछे बैरियर बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि अगर यह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता तो यह याक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता। यहाँ पर इन्होंने हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया और इनके यही वजह से इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब आप इस इंटरेस्टिंग फुटेज पर अपनी नजर डालिए जहां ये शख्स किसी और से नहीं बल्कि एक बेबी मूस से मार खा गया। हालांकि हमें इसकी बैक स्टोरी तो नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था। अब ये भी हो सकता है कि साइकिल वाले शख्स ने इसे बचाया हो या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद इसे यहाँ छोड़ने भी आया हो, क्योंकि ये वीडियो तब शुरू हुई जब ये शख्स इस बेबी मूस के पैरों की रस्सी को खोल रहा था। और जैसे इसने पैरों की रस्सी को खोला तो वैसे ये दूर जाने की बजाय इसे फ्री करने वाले शख्स पर ही कूद पड़ा और उसने मन भर के इसकी खूब पिटाई की, जो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर रिएक्शन क्या देना है, क्योंकि अगर इसने इस मूस को बंदी बनाकर रखा था तो इस जानवर का इसे मारना तो बनता ही है, लेकिन अगर इसने मूस को बचाया था तो इस बिचारे के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। अब हम आपको जो फुटेज दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई एक्शन मूवी का सीन है, लेकिन भाई साहब ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि रियल कैमरे से शूट किया गया फुटेज है। असल में दोस्तों, जमीन से 12,000 फीट की ऊंचाई पर दो स्मॉल एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहे थे, जिसमें कुल मिलाकर 11 लोग सवार थे, 9 स्काई डाइवर और 2 पायलट। ये सभी अपने रूटीन स्काई डाइविंग के लिए निकले थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में दोस्तों, दोनों एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए जिसकी वजह से उनमें आग लग गई, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सभी स्काई डाइवर्स और पायलट पैराशूट की मदद से छलांग लगा रहे हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। दोस्तों, खुद किस्मती से इतने बड़े हादसे के बावजूद भी किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। हालांकि छोटी मोटी चोटें कई लोगों को लगी, लेकिन सभी लोग बच गए।